हेलो फ्रेंड्स, हाय, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है और लोगों की पोल खुलने वाली है और पोल का ढोल बजने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से नहीं, उन लोगों से कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख के थर थर काँपते हैं। तो मैं कहूँगा, देखो पाखंडियों, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में और कैसा बोल रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि गुरु शरण महाराज, जो कि पंडोखर धाम के अनुयायी हैं, वहाँ के देख रेख करता हैं, वहाँ सब लोगों को जो है भ्रमित कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में शब्द करना चाहूँगा कि भाई लोग देखो वो कितना भ्रमित कर रहे हैं, पैसा ठगी कर रहे हैं, दो दो बीबियाँ रखे हुए हैं। ऊपर से क्या है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी आप लोगों के पैसे का। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तो निर्माण कार्य पुराने मंदिर का चल रहा था। आप लोगों ने जैसा देखा होगा, पुराना मंदिर अगर जो गए होंगे तो वहाँ पंडोखर धाम में, तो पुराना मंदिर एक बन रहा है और वो बन रहा था, लेकिन इन गुरु शरण महाराज ने देखा कि पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसके अगेंस्ट हम पैसा ले नहीं सकते, क्योंकि लेंगे तो कहाँ हम ले जाएंगे पैसा। तो उन्होंने एक दूसरी व्यवस्था खड़ी की, दूसरी जगह पे एक मंदिर स्थापित किया और कहा जनता से कि हम इसके लिए पैसा ले रहे हैं। तो मैं जनता जनार्दन, आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आँखें मत मीचो, आँखें खोले रहो और देख के अपनी व्यवस्था को संभालो और अब मेरे साथ शब्द से शब्द लगा के और बात से बात लगा के आप लोग भी खड़े हो जाओ, जिससे आने वाली जनता जो है सही हो जाए। क्यों? आने वाली जनता को भी मालूम चले ये गुरु शरण महाराज कितनी ठगी कर रहा है और यहाँ के जितने भी लोग हैं, पूरा गैंग बना के चल रहे हैं, कितनी ठगियाई हो रही है। तो उससे आप लोगों को भी जानकारी हो आप लोगों को। तो प्लीज़ जनता, हाँ मैं उन लोगों का नाम लूँगा, एक अजय परमार जी हैं जो कि सुनना चाह रहे थे मेरे मुंह से और हमारे वीडियो चैनल पे सुनना चाह रहे थे। और देखिए, आपकी बात हमने रखी, आप चाह रहे थे कि खुलासा हो तो हमने खुलासा किया। और आप में से जो भी चाहता है कि गुरु शरण महाराज का खुलासा हो तो इसी वीडियो चैनल पर हम करेंगे। आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, हम वीडियो चैनल पे करेंगे। देखिए, पहली तो व्यवस्था मैं आपको बताऊं कि खुद दो दो वाइफ रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरी एक बीबी जो कि क्या बोलते हैं बंजर है और बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, इसलिए मैंने दूसरी शादी की है। ये मीडिया के सामने उन्होंने ऐलान किया है, जो कि छुप गए थे मीडिया को देख के, और अब मीडिया के सामने जब निकले और लोगों के सामने जब आए तो उन्होंने ये कहा कि मैंने दूसरी बीबी इसलिए की है कि पहले बीबी मेरी बंजर थी, यानी कि खेती पे उन्होंने साफ कहा कि खेती जैसे बंजर होती है और खेती उपजाऊ नहीं हो पाती है, उसी तरीके से मेरी वाइफ जो थी पहले वाली, उसके पास भी बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने दूसरी बीबी को चुना और दूसरी बीबी के शादी की। तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग अंधे भक्त होके मत बनिए, अंधे भक्त ना बनिए। जो अपनी बीवी को ठीक नहीं कर सकता वो आपको कैसे ठीक करेगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि वहीं के पंडोखर धाम के अनुयायी, वहीं के लोगों ने FIR दर्ज कराई थी इनके खिलाफ कि ये दूसरी शादी कर रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी लेके रह रहे हैं। तो मैं भक्तों आप लोगों से कहूँगा, ये कहाँ तक बात ठीक है, क्या ये बात सही है कि दूसरी बीवी लेके रहना चाहिए? और अच्छा ठीक है, रह भी रहे हो तो दूसरे भक्तों को क्यों आश्वासन देते हो कि तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे? जब खुद बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों के बच्चे कैसे दिलासा देते हो कि दूसरों के बच्चे हो जाएंगे? ठीक है, सेकेंड बात पर हम आते हैं कि लोगों से 10,000, 11,000, 20,000, 21,000 रुपये की ठगी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लाख और 2 लाख की ठगी की बात, 5 लाख की ठगी की बात। ऐसे ऐसे भक्त हैं
जो लोगों को बताया गया है कि ये पूजा करनी है, इसमें 50,000 का खर्चा आएगा, 1.5 लाख का खर्चा आएगा, 2 लाख का खर्चा आएगा, तो उन लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, उन लोगों के साथ में खड़ा हुआ हूँ। और यार मैं अकेले खड़ा हुआ हूँ, आप लोगों को भी समझना चाहिए। अगर जनता जागरूक होगी तभी, देखिए बाद में जब चिड़िया चुन गई खेत, अब पछतावन होत गया जब चिड़िया चुन जाएंगी खेत, जैसे राम रहीम बाबा भागे, आशा राम बाबू बापू भागे, और उसी तरीके से ये गुरुशरण महाराज भी एक दिन जो है अपना टोसा टंबर लेके भाग जाएगा, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? ये अंडरग्राउंड हो जाएगा बहुत जल्दी। और जो भक्त हमसे कहना चाह रहे हैं, उन्हीं से रिगार्डिंग जो भक्त हैं और हमसे कहना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा, चैलेंज के साथ कहूँगा, मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, सारी चीज़ है मेरे पास, विद प्रूफ मैं बात कर रहा हूँ, कोई बिना लॉजिक के मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो है साफ साफ लॉजिक है मेरे पास और सारे एविडेंस मौजूद हैं, मैं उसी लॉजिक के साथ सारे एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। और जिसको डिबेट करानी है, अगर गुरुशरण महाराज की तुम्हारे दम हो तो आप डिबेट करा लेना हमारे साथ, मैं डिबेट करने को तैयार हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हूँ, आपके गुरु का इंटरव्यू लेने को तैयार हूँ। और एक बात आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा, आप लोग सुनने वाले हो सुन लो, बेचैन मत होना, मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि कहते हैं लोग, बहुत सारे जो उनके अनुयायी हैं और जो उनके भक्त हैं, वो ये कहते हैं गुरुशरण महाराज मेरे सपनों में आते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार गुरुशरण महाराज से ज़रूर पूछना कि यार तुम्हारे सपने में कौन आता है, तो वो ये ज़रूर कहेंगे यार ये दोनों लोग आपके सपने में ज़रूर आते होंगे। और गुरुशरण महाराज भी बेचैन होंगे कि हम दोनों लोग सपने में आ रहे हैं। तो भक्तों, जरा बेकार की बातें और आडंबरों से सचेत हो जाओ, और यही भलाई है। और आप लोग जो हो ना, परेशान हो, किसी पेशेंट को दिखाने के लिए आए हो, दूर दूर से आए हो और पेशेंट को लेके आए हो, और किसी आस्था के उससे आए हो ना, हनुमान जी के दर्शन करो, इसको पैसा मत देना, ये पैसे का बहुत बड़ा है भूखा, इसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है ये गुप्ता, कौन गुप्ता, जो भी गुप्ता हो वो साथ में बैठता है, 300 रुपये का इन्वेलप पकड़ाता है, उससे भी सचेत रहना, वो भी तुम्हें पकड़ाएगा, कहेगा 40,000-50,000 रुपये की पूजा करना। एक भक्त हमसे कहता है, मेरे वीडियो पे कमेंट पड़ा हुआ था, कि वो ये कहता है कि गुप्ता जी ने ये बोला है मुझसे कि तुम्हारी जो है पर्ची, जो भी तुमने अमावस्या की पर्ची कटवाई थी वो कम की थी, अब ज़्यादा की कटवाना तो तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। अबे यार ये गुप्ता कौन होता है, कौन सा त्रिकालदर्शी है? अबे त्रिकालदर्शी हो तो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फुल एविडेंस के साथ, मैं प्रूफ के साथ आया हुआ हूँ, और मेरे साथ सारे भक्त खड़े हुए हैं जिनका पैसा तुमने लूटा हुआ है, और पैसा लूट के मैं चैन तो लेने नहीं दूंगा, इसलिए लेने नहीं दूंगा, तुम यार कहीं और ब्लैक मनी ले जाते कोई बात नहीं होती, तुमने जो है भगवान के नाम पे ठगी की है, हनुमान जी के नाम पे ठगी की है, मंदिर बनवाने के नाम पे ठगी की है, और एक एक भक्त से तुम 2-2 लाख रुपये ले रहे हो। आप लोगों को सचेत करता हूँ, एक भक्त से 2-2 लाख रुपये ले रहा है ये मंदिर बनवाने के नाम पे, ठगियाई करने के नाम पे, और कहता है क्या है कि तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, तुम इसमें विफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता नहीं होगी। अरे यार तुम हमें विफल करके दिखाओ, हम हैं सच्चे हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सच्चे हनुमान जी के भक्त हैं तो हमारे साथ खड़े होइए, और आस्था को बिकने ना दीजिए, बिकने जो आस्था के आड़ में ये जो ठगी चल रही है उसको बिकने ना दो। आप ये मान के चलो सरकार एक नॉर्मल आदमी जो मतलब एक रोजी रोटी खा रहा है उससे तो टैक्स और जीएसटी और सारी चीजें वसूल देती है, सरकार तुम्हारी आपकी कहां गई, ये मोदी सरकार क्या कर रही है, ब्लैक मनी कमा रहे हैं ये, इनसे जरा पूछिए हिसाब किताब कोई लेगा? आप ये मान के चलिए दुनिया भर के इतने लोग हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई किसी के रिश्तेदार, कोई किसी के रिश्तेदार, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, ये सब क्या सो रहे हैं? आप लोग क्या बोल नहीं सकते हैं? ठग के घर में बैठे हुए हैं चुप, मतलब आप अगर ठग कर बैठे हुए हैं तो आगे भी ठगे जाओगे, क्योंकि आपके भाई खुले हैं, आपके भाई बंधु ठगे जा रहे हैं, कम से कम उनको तो छुड़ाओ, खुलेंगे ही नहीं, खोलना ही नहीं चाहते, खोलना ही नहीं चाहते।
चाहते हैं, अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहते, ठग के चुपचाप अपने घर में बैठे हुए हैं कि भैया हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ तो हो गया, दूसरों के साथ हो रहा है, उनको नहीं बचाओगे, ये तुम्हारे बढ़ के बोलना ही नहीं चाहता है। ये मान के चलिए हनुमान जी के भक्त हो, असल भक्त हो, तो आइए सामने, अपना लड़िए अपना हाथ। तुम्हें मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कसम, हनुमान जी की कसम, अगर तुम लोग सच्चे भक्त हो तो आके लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मेरे साथ खड़े हो, मैं तुम्हारे को पैसा एक एक जेनवेंटी से एक एक रुपया दिलाऊंगा। तुम इस जो है आडंबरों से हट के बात करो और इसके नाम FIR करवाओ। मैं कहता हूँ, मैं आज के वीडियो में ये कह रहा हूँ कि जो भी MP के DGP हैं, आप रिकमेंड करो, हमारा वीडियो फॉरवर्ड करो उनको, उनका नंबर आपको नेट पे मिल जाएगा। MP के जो DGP हैं उनके नंबर पे फॉरवर्ड करो मेरा वीडियो कि ये पंडोखर धाम का जो भी पुजारी जो भी आडंबर कर रहा है, लोगों से 2-2 लाख रुपए ब्लैक मनी के रूप में ले रहा है। ब्लैक मनी आप समझते हो, हम लोगों को तो लेने नहीं दे रहे, एक रुपया हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं, सैलरी पे आधारित हैं, ये बिना पर्ची काट के ब्लैक मनी ले रहा है। यार आप लोग समझ नहीं रहे हो क्या? और दूसरी बात, लिसन, ब्लैक मनी ले रहा है, बिना पर्ची से ले रहा है, ना अकाउंट में ले रहा है, ना ऑनलाइन ले रहा है, तो आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती? क्या खोल के दिखाऊं, आप लोग क्या खुलवाना चाहते हो? दो बीबियां रखे वो समझ में नहीं आता है, 2 शादियां कर रखी है वो समझ में नहीं आता, चुनाव लड़ने जा रहा है तुम्हारे ही पैसों से जा रहा है वो समझ में नहीं आता है क्या? आप लोग क्या है, कौन सी चीज देख के समझना चाहोगे, क्या चीज देखना चाहोगे? आप खुद जाओ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, खुद जाओ और खुद वाकिफ करो। और मैं ये जरूर कहूंगा कि लड़के आना, अपनी बात रख के आना। और त्रिकालदर्शी होते तो हम खुद दरबार में गए तो क्या उनको ये नहीं दिखाता कि हम लोग ये बात बोलने वाले हैं? हाँ, त्रिकालदर्शी होते तो तुम्हारे में इतनी क्षमता नहीं थी, इतने पास में नहीं थे कि तुम हमारे बारे में जान सकते थे कि तुम्हारी हम पोल खोलने के लिए आए हैं और पोल खोल के रहेंगे और पोल खोल रहे हैं तुम्हारी, एक एक मिनट की पोल खोल को बताने के लिए, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि हमने पंडुकर सरकार जाते थे हम लोग, तो वहाँ के बारे में हमने अपने चैनल में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे आइए और पूरी जानकारी सबके बारे में लीजिए, ठीक है? सबसे पहली बात मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि जो पंडुकर सरकार में जो बाबा जी हैं वो जो भी बताते हैं किसी के बारे में या वो है पैसे लेते हैं, उसकी पूरी जानकारी हमारे चैनल पे आपके पास है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब लोग आइए लाइव, क्योंकि मैं लाइव आके सारी चीज़ें बताती हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में देती हूँ। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल पे आइए, क्योंकि मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में भी कई सारे वीडियोस दिए हुए हैं इनकी जानकारी के बारे में कि आप लोग जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं अपना, इतनी मुश्किल से आप लोग कमाते हैं और अपना पैसा देकर कोई जानकारी आप चाहते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोज़ के लिंक लगे हुए हैं, उन पर जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए सेकंड पार्ट देखने के लिए। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक